लेकिन रामेश्वर डूडी से दिनेश जांगी बातचीत करें, क्या कुछ वो कह रहे हैं जरा सुनिए। आपसे मुलाकात की है, कितनी टिकटों पर अभी असमंजस की स्थिति, क्या चर्चा हुई आपकी? देखो, कोई असमंजस की स्थिति नहीं है। 200 सीटों पे लगातार हम बैठ के करते आए हैं, उसमें एक साल तक चर्चा हुई है और उसमें जल्दी से जल्दी हमारे कांग्रेस के जो कर्मठ कार्यकर्ता है और कांग्रेस के लिए जो खून पसीना बहाते हैं उनको तवज्जो दी जाएगी। राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से आम पूरे प्रदेश के अंदर कार्यकर्ताओं को जो संदेश दिया है, उस संदेश के मुताबिक हमें सब जो है हमारा प्रदेश के जो कार्यकर्ता है, प्रदेश के जो नेता हैं, उन सबका है कि एक अच्छी कार्यकर्ताओं की लिस्ट आए। क्योंकि राजस्थान के अंदर पिछले 5 साल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कुशासन ने आम आदमी की भावनाओं पर कुठाराघात करने का काम किया है, आज प्रदेश की जनता ने पूरा मन बना लिया है कि आने वाले 7 दिसंबर को जो चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को उखाड़ के फेंकने का काम प्रदेश की जनता एकता और संगठन से कर रही है। नहीं, उसमें ऐसा मैं बताऊं, देखो चर्चा जो है चर्चा जारी है, उसमें कई सीटों पे मंथन जो है दोबारा भी करना पड़ता है, तो उसमें हमारा सिर्फ एक ध्येय है कि जिताऊ टिकाऊ उम्मीदवार आए। तो उसमें हमारे पास में जो फीडबैक आ रहा है उस फीडबैक के मुताबिक हम वापस बैठ के उस पर चर्चा कर रहे हैं और आने वाली जो लिस्ट है एक अच्छे उम्मीदवारों की, एक अच्छे छवि वालों की, अच्छे सोच वालों की और कर्मठ कार्यकर्ताओं की सूची आपके सामने आएगी। कर्मठ कार्यकर्ताओं की सीट में रोड़ा कौन बन रहा है? कोई रोड़ा नहीं बन रहा। हम सबका ध्येय एक है कि अच्छे कार्यकर्ताओं की, हमारे जो पार्टी के लिए जो दिन और रात एक करता है और पार्टी के लिए खून और पसीना बहाता है, पार्टी के लिए दिन और रात एक करता है, उन उम्मीदवारों को लाने का काम हम पूरे एक अच्छे सोच के साथ में कर रहे हैं। दरबल से जुड़े लोगों का, सर राहुल गांधी जी ने कहा था कि और पैराशूट जैसे कैंडिडेट का वो पैराशूट काट देंगे, क्या लगता है सीटों में भी ऐसा होगा? देखो, राहुल गांधी जी ने सीधा संदेश दिया है कि पैराशूटिंग नहीं होंगे, युवा हमारी महिलाओं को पूरा तवज्जो दी जाएगी, उनको प्राथमिकता दी जाएगी और आने वाली लिस्ट के अंदर राहुल गांधी जी ने संदेश दिया है उससे भरपूर सूची जो है आने वाले इस उम्मीदवारों की सूची में रहेगा। सर, एक जानकारी ऐसी मिली है कि जो कल जो विवाद हुआ उसके बाद जो है युवाओं को मौका दिया जाएगा, 70 साल से जो उम्र के जो लोग हैं उनको संतुष्ट करने की कोशिश कर रही है, वहाँ पर युवाओं को उतारा जाएगा। देखो, विवाद कोई चीज़ का है ही नहीं, ये सिर्फ आपके मीडिया के द्वारा उठाया हुआ जो है ना, यह पोकपंडा है। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे सभी नेताओं का एक ही है कि राहुल गांधी जी के सपनों को साकार करने का, राहुल और प्रदेश की सरकार में एक मजबूत आम आदमी की सरकार लाने का संकल्प जो हमने लिया है वो आने वाले समय के अंदर प्रदेश की जनता एक की लग रही है, फिर कैसे ये और संगठन तय करेगा इस बात को। क्योंकि आज कांग्रेस की तरफ कई जो है दूसरी पार्टियों के नेता का क्रम जारी है, तो उनको कोई कंडीशनल नहीं ला रहे हैं, वो पार्टी की सेवा के लिए आ रहे हैं और उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर करी है कि हम पार्टी की सेवा करना चाहते हैं, तो ये संगठन जो बैठ के सोचेगा। बताया जा रहा है कि आपने नाराजगी जताई कि जवर को ज्वाइन नहीं कराया जाए क्योंकि आपके बीकानेर का मसला है, राय मशवरा बहुत जरूरी थी। आपका काम सिर्फ जो है ऐसे टेढ़े क्वेश्चनों को पूछने का हमेशा रहा है, लेकिन मैं और बता दूं आपको कि पार्टी के लिए कोई भी आता है और समर्पित होके आता है और सेवा भावनाओं की तरह से आता है तो उसका हमारी पार्टी में स्वागत है। यानी दोनों आ रहे हैं बिना शर्त के, दोनों बिना शर्त के ज्वाइन कर रहे हैं। ये सचिन पायलट जी आपको बताएंगे। थैंक यू।